मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अभिषेक लखानी। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। मेरा अकाउंट सेंट्रल बैंक का है, सभी बैंकों का प्रोसेस लगभग सेम ही है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाला हूँ। इफ यू वांट नॉलेजेबल वीडियोस, व्हाई आर यू वेटिंग? प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपडेट। थैंक यू। मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात की सेंट्रल बैंक का CIF नंबर ही आपका यूजर आईडी होगा। नेट बैंकिंग के अलावा CIF नंबर को आप बहुत सारे कामों में यूज कर सकते हैं। आप CIF नंबर के साथ और भी कई सारे काम कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया हूँ जो कि बैंकिंग के कामों को ही करके मैं बताऊँ, तो आई कार्ड पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं उसे। अगली और इम्पोर्टेंट बात की हर बैंक का नेट बैंकिंग सुविधा चालू कराने के लिए सभी का प्रोसेस अलग अलग होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ब्रांच में जाके और भी अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई होते हैं, तो आप जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। मैंने अपने नेट बैंकिंग ऑन कराने के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरा था जो कि मुझे बैंक से ही मिला था और मैंने उसे बैंक में ही जमा कर दिया था। फॉर्म जमा करने के बाद जो भी काम होता है वो सारा ब्रांच का होता है, तो आपको ब्रांच से कॉन्टेक्ट में रहना होगा कि ब्रांच का क्या क्या काम है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब ब्रांच ही समझ लेगा। और कुछ दिन के बाद मुझे मेरे फोन पे एक मैसेज आया था, और आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी आया था, तो आपका ईमेल और मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा जब आपका अकाउंट को एक्टिव कर दिया जाएगा, या फिर आप अपने ब्रांच में भी जाके पता कर सकते हैं कि आपका आईडी ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको बैंक आपके आईडी को एक्टिव करके दे देगा, आपको ट्रांजेक्शन और आपको अपना यूजर आईडी का पासवर्ड और आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड खुद से बनाना होगा, जो मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं, आप भी अपने फोन या कंप्यूटर स्क्रीन में सेम ही प्रोसेस अप्लाई कीजिए। मैं जिस तरह से बताऊंगा आप उसी तरह से सेम फॉलो कीजिएगा, तो आप भी इस चीज को करने में कामयाब हो जाइएगा। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है, गूगल में आपको यहाँ पे सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल साइट खोलना है। वैसे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। तो चलिए हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सर्च करते हैं और फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे का सेटअप फॉलो करते जाइए। वीडियो अगर समझ ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बारीकी से मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग शो कर रहा होगा, यहाँ के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब एक नया पॉपअप जैसा ओपन होगा, को प्रोसेस क्लिक हेयर, प्लीज क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग का सर्वर खुल जाता है, इस तरह का ये इंटरफेस इसका दिखता है। तो ऊपर आपको ऑनलाइन पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद CIF नंबर आपके बैंक आपको अलाउड करते हैं, तो वहां से जाके अपना CIF नंबर को ला सकते हैं। CIF नंबर यहाँ पे डालिएगा, तो CIF नंबर यहाँ पे अपना डाल लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए यहाँ पे डेबिट कार्ड डिटेल प्लस डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ पे और कोई भी चूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे यही ऑप्शन क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर आपको अपना यूजर आईडी शो कर जाएगा, उसके बाद आपको डेबिट कार्ड के लास्ट का 6 डिजिट को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पे डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट को हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट आपको पता ही होगा, तो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पे कार्ड को देख करके हम यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ जो लिखा होगा, तो आप अपना आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा वही आप आधार कार्ड बैंक में दिए होंगे, तो वही सेम ही आपका आधार होगा, तो आप यहाँ से इस चीज को मिला सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से अपना डिटेल भर लेते हैं। चलिए यहाँ पे भर लिया, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा रिफ्रेश रोड है, तो आपके इंटरनेट स्पीड के अनुसार से ये चलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से आपको यहाँ पे आपका जो कि CIF नंबर ऊपर वहाँ पे CIF नंबर शो कर जाएगा, देख सकते हैं यूजर आईडी में आपका CIF नंबर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको वो डालना होगा जो आप बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड करवाए होंगे, तो यहाँ पे फटाफट से चलिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं। जनरेट पे क्लिक कीजिए तो आपके एक मोबाइल पे OTP आ जाएगा, और वो OTP आपका पासवर्ड होगा अभी के लॉगिन के लिए। ध्यान रखिएगा वो अभी के लॉगिन के लिए होगा, तो आप अभी देख सकते हैं आपके मोबाइल पे एक OTP आ गया होगा। जैसे देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे एक OTP आ चुका है, तो इसी तरह एक OTP आपके पास भी आया होगा, तो वो OTP का आपको ध्यान से रखना है। आपको अभी वो OTP नहीं डालना, मैं बता रहा हूँ वो OTP को कहाँ डालना है। तो उसके बाद वो आने के बाद मैसेज आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये फिर से एक नया विंडो ओपन होगा, तो इसको ओपन होने देते हैं। उसके देख सकते हैं यहाँ नेट बैंकिंग जब भी आप लॉगिन कीजिएगा तो इसी साइड पे आपको इसी तरह से लॉगिन करना होगा, तो आप ध्यान रखिएगा आपको जब भी लॉगिन करना होगा तो आप यहाँ पे इसी तरह से इसको लॉगिन कर पाइए। यहाँ पे चलिए आप अपना यहाँ पे CIF नंबर डाल लेते हैं, और नीचे पासवर्ड का जो ऑप्शन है, तो अभी अभी जो आपके मोबाइल पे एक OTP आया ना लगभग 6-7 डिजिट का, वो OTP को आपको यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से उस OTP को डाल लेते हैं, और डालने के बाद बताते हैं कि आगे आपको क्या करना होगा। उसके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक कीजिए तो ये आपका लॉगिन ले लेगा, इस तरह से लॉगिन लेता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको काट देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वेलकम यूजर करके एक इंटरफेस शो कर जाएगा, तो उसके बाद चलिए आप स्क्रॉलिंग करके इसको नीचे कर लेते हैं। नीचे करने के बाद आप यहाँ पे वैसे इसका मैनुअल है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं इसका किस तरह से टर्म्स पॉलिसी क्या सब पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम चलिए टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना होगा। नीचे यहाँ पे एग्री या डिसएग्री शो कर रहा है, तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक करते हैं। एग्री पे क्लिक करने के बाद ये फिर से इसका नया कुछ इंटरफेस खुल रहा है।
अब वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल ही बारीकी से सब कुछ पता चल सके। और ये 2019 का वीडियो है तो सी यहाँ पे पूरा लेटेस्ट सब कुछ बताया जा रहा है कि जो अभी चल रहा है मार्च के महीने में, जो 2019 में जो चल रहा है इसी तरह से चल रहा है। तो आप बिल्कुल वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके मन में कोई सा सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का आपको पूरा पूरा कोशिश करूंगा। तो आप बिल्कुल एक बार अगर आपको वीडियो समझ में आया तो उसको रिमाइंड करके देख लीजिए या फिर आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। उसके बाद आपको करंट पासवर्ड जो कि आपके अभी अभी जो OTP आया है जिससे कि आप लॉगिन किए हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा फिर से, जो कि OTP आया है ना आपको कुछ देर पहले, वो OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो कि नया पासवर्ड जो है वो अपने मन से कुछ नया स्पेशल लगभग 6-8-9 डिजिट का जो कि ऐसा पासवर्ड हो जो कि कोई पासवर्ड नहीं जानता और लॉगिन कोई ना कर पाए, आपके सिक्योरिटी को आपके सिक्योरिटी बना रहे, इसलिए वो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। कुछ कैपिटल में कुछ अल्फाबेट चूज कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ अलग सा नंबर जैसे कि हैशटैग डॉलर इस तरह का कुछ भी वर्ड चूज कर सकते हो। उसके बाद आप नंबर चूज कर लीजिएगा लगभग 7-8 डिजिट का, तो उससे पासवर्ड आप बना लीजिएगा अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि कोई भी आदमी आपके पासवर्ड को आपके अकाउंट को लॉगिन ना कर पाए। और उसी पासवर्ड को जो कि न्यू पासवर्ड डालिएगा उसी पासवर्ड को आपको फिर से नीचे एक बार फिर से लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे चलिए यहाँ पे फटाक से सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली चेंज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे आप नेक्स्ट लॉगिन जब भी करेंगे तो आपको यहाँ पे अभी जो कि अभी भी चेंज किए उसको उस पासवर्ड को डालना होगा। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फाइनली अब मेरा अकाउंट ओपन होने जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से ये नेट बैंकिंग का इस तरह से ये शो करता है, जैसे कि जब भी आपका अकाउंट आप लॉगिन कीजिए तो आपको वो इसी तरह से लॉगिन शो करेगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे ये मेरा नेट बैंकिंग का ये अकाउंट मेरा शो कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे तो आप यहाँ पे अपने से आके चेक कर सकते हैं। बट अभी भी एक चीज बचा हुआ है, सबसे पहले आपको यहाँ पे होम पेज पे आपको अपना अकाउंट शो कर जाएगा, बैलेंस वैलेंस सब कुछ शो कर जाएगा, A to Z चीज आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। आप यहाँ से किसी को पैसा वैसा सब कुछ ट्रांसफर कर सकते, सारा काम आप यहाँ से बैठ के कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बचा है जिसके कारण से आपको इस वीडियो को और कुछ देर तक देखना होगा, वो ये है कि जब भी आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपको जो कि ट्रांजेक्शन पिन होता है ना 5-6 डिजिट का, जो जितने भी डिजिट का आपको बनाना है वो बनाना है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, बाकी बात आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं तो आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं और कई सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने से आके खुद से चेक कर लीजिएगा। अभी मैं फोकस करता हूँ जो जो मेन पार्ट है उस पर फोकस करता हूँ। आप अगर चाहेंगे तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा और आपको और सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। आप यहाँ से अपना मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, सारा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि आप अपना पैसा कब कब क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, कितने कितने पैसे आपके किस किस डेट में खर्च हुए हैं, कौन कौन डेट से आप पैसे निकाले हैं या फिर आपके अकाउंट में कौन कौन डेट में पैसा है, सारा स्टेटमेंट आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, फुल प्रिंट कर सकते हैं A to Z। आपको बैंक में जितना काम यानी कि बैंक से आप कर सकते हो वो सारा काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं सारा काम। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको एक बार आके अपने से खुद से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मेन्यू पे क्लिक करना होगा। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे आप मेन्यू पे क्लिक करिएगा तो आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करते हैं। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखना होगा, नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको नीचे ट्रांजेक्शन पासवर्ड जनरेट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। आपके इंटरनेट स्पीड के अनुसार खुलता है तो आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए, सबसे पहले ही मैं बता रहा हूँ। अगर आपको नेट बैंकिंग का काम करना है तो फास्ट इंटरनेट का जरूरी तो पड़ेगा, आप इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप नेट बैंकिंग को ओपन करें तो मिस्टेक ना करें और ये सब चीज़ें काफ़ी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये जितना ही अपना अपने आप में सिक्योर रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा ही बेटर होगा आपके लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको ऊपर आपको यूजर आईडी में आपका CIF नंबर शो कर जाएगा, उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, वो मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। तो चलिए फटाक से उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक नया पॉपअप ओपन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे OTP पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिए तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP चले जाएगा। तो उस OTP को फिर से कहाँ यूज करना है मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। उस OTP को आपको यहाँ पर लिखना होगा। चलिए यहाँ पे फटाक से उस OTP को यहाँ पे डाल देते हैं। OTP को डालने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन शो कर जाएगा। चलिए यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये पेपर ब्लॉ हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने का। मैं आपको एक बार ध्यान से बता दूं एक बात कि जो आप पासवर्ड डाल रहे हैं उससे अलग डालिएगा ट्रांजेक्शन आईडी, ताकि कभी भी अगर किसी को पता भी चल जाए तो ट्रांजेक्शन आईडी आपका अलग होगा। कारण ये है कि अगर वो आईडी जान भी लेगा तो सिर्फ ये लॉगिन कर पाएगा,
लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन आईडी कोई भी जान जाता है तो आपको अगर कहीं भी पेमेंट करना होता है तो वो पेमेंट कर देगा, और ट्रांजैक्शन आईडी तो उसको पता रहेगा ही, तो ट्रांजैक्शन आईडी रहेगा तो वो आसानी से किसी को पेमेंट, पैसा किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ट्रांजैक्शन आईडी आप बिल्कुल भी उन सभी चीज़ों से अलग लगाइए, जो पासवर्ड लगाए होंगे आप उनसे तो बिल्कुल भी अलग ही लगाइएगा। जो ट्रांजैक्शन का ओटीपी रिसीव हुआ था आपके मोबाइल पे, जो अभी भी वहां पर डाले थे आप, उसी ओटीपी को ऊपर डालना होगा। चलिए मैं आप उस ओटीपी को डाल देते हैं। उसके बाद नीचे आपको नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा। फिर अभी अभी जो आप नया ट्रांजैक्शन ऊपर पे डालें उसी ट्रांजैक्शन नंबर को नीचे भी डालना होगा। उसके लिए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेस। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाले घंटे को बजा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको पर्टिकुलर वीडियोस मिस ना हो। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।